कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। क्या हूं मैं बताने का प्रयास करती हूं, सुनिएगा। तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है। अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, कि मुझ पर ये कृपा की है कलम देकर के ईश्वर ने, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। बहुत बहुत आभार। मेरी नजर पीछे कुछ पुलिस वालों पर पड़ रही है, वर्दीधारियों पर। मेरा मन है कि आप भी थोड़ी बहुत ताली वाली बजाते रहे। यहाँ श्रोता कुछ कम है ऐसा कवि कह रहे थे, लेकिन मैं देख रही हूँ अग्रिम पंक्ति में सवा लाख के बराबर एक श्रोता बैठे हुए हैं। दिलजीत भाई, जब इनकी उपस्थिति होती है तो ये सवा लाख से ऊपर की ऑडियंस यहाँ हो जाती है। एक बार इनके सम्मान में तालियां हो। देश ने विकास किया, 2015 में उड़ता पंजाब, 2018 में उड़ता पंजाब नेशनल बैंक। वो आदरणीय सरदार जी, पिछले दिनों पंजाब में कवि सम्मेलन हुआ, मैंने एक सरदार जी से कहा, मैंने कहा सरदार जी आग लग गई, बोले मैनू की। मैंने कहा आपके घर में लग गई, बोले तैनू की। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। पिछले दिनों एक वक्तव्य आया, आप सबने देखा होगा, वो मोदी जी में और कांग्रेस में संवाद हुआ। मोदी जी ने कहा रेणुका जी की हंसी को सुनकर मुझे रामायण की याद आ गई, तो कांग्रेस ने कहा रेणुका जी की हंसी को सूर्पनखा की हंसी से जोड़ने पर मोदी जी को माफी मांगनी होगी, तो मोदी जी ने कहा मैं तो माता सीता की हंसी की बात कर रहा था, तो कांग्रेसी बोले अच्छा, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। बहुत आभार, मैं आप तक बात पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, चार पंक्तियां और कहती हूँ। क्यों आना था, इतने कवियों ने बहुत सारी बातें कही, क्यों इस मंच तक आना था, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए, मोहब्बत के सफर को एक हसी आगाज दे देना, मोहब्बत के सफर को एक हसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, वफाए देख लेना तुम, तुम्हारे प्यार की खातिर। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो, और कहीं मेरी बात पर विश्वास हो तो आपकी करतल धनी मुझ तक पहुंच जाए, और मेरा कहीं मेरी ऊर्जा बढ़े मैं आप तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा, कि मोहब्बत के सफर को एक हसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, वफाए देख लेना तुम, तुम्हारे प्यार की खातिर, वफाए देख लेना तुम, तुम्हारे प्यार की खातिर, चली आऊंगी मैं स
सब छोड़ करो आवाज दे देना चली आ, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बाबाओं का जमाना है, यदि आप सबका मन हो तो एक पैरोडी से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। आपको तालियों का सांस देना है। मैं कुछ लोगों की मजबूरी देख रही हूँ, जैसे कि यहाँ कुछ पुलिस वाले बैठे हैं, कमाई के समय में कविता ही सुननी पड़ रही है। अच्छा, आजकल देश में बहुत अच्छा है, योगी जी की सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। 100 नंबर घुमाओ, पुलिस आती है, 100 रुपये दो, चली जाती है। बहुत अच्छे अच्छे इंतज़ाम हुए। खैर, मेरा मन है, बाबाओं का दौर है, तो मेरा साथ दे दें। हम तालियों की रिदम के साथ कुछ बाबाओं को एक गीत समर्पित कर दें, आपकी मुस्कुराहटों के साथ सुनिएगा। हाँ नाम के बाबाओं का है, खोल लीजिए सब हाथ। बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं कि भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी। झूमते रहिए, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी। बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी। त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी। और बेवफा हनी प्रीत निकली रहीम की नानी, निकली रहीम की नानी। फिर निकल पड़े बाबा, फिर निकल पड़े बाबा करने जेलों का उद्धार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। जेल में क्या होता है मैं सुनाने वाली हूँ, अब आप रुक जाएं। कि जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए। बाबा बोले आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए, बाबा बोल वो अभी आपने देखा होगा एक दो दिन के लिए आदरणीय का फोन आ गया है इस समय, और वो जितने तेज चिल्ला के बात कर रहे हैं, यदि बिना फोन के भी कर देते तो आवाज पहुंच जाती। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सलमान खान जी जैसे ही वहां पहुंचे जेल में, आशा राम जी ने उनको पुचकारते हुए पूछा, बेटा बच्चियां नहीं आई साथ में? नहीं, मैं तो वो बता रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है। कि जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए। बाबा बोले आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए, आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर आए, आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए। आप बताओ आपके कैसे दर्शन हमने पाए, हाँ दर्शन हमने पाए। फिर बाबा बोले कि तुमको लाया बम का, तुमको लाया बम का, मुझे फुलझड़ी का प्यार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। एक और नए नए बाबा जी आए। हाँ प्रतीक जी, आप भी तालियां बजाइए। मैंने आपकी उस कविता पर ताली बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। सुने, इनका ये दोष है कि इन्हें मेरी तरह पढ़ना था। सुने कि इस झांसे की गाड़ी में इकवाई और सवारी, आपने सुना होगा नए नए एक बाबा और पकड़े गए दिल्ली रोहिणी से, कुछ लोगों ने सुना हो, वीरेंद्र दीक्षित जी, सुना है? आप ऐसी बातें बहुत ध्यान से सुनते। सुने कि इस झांसे की गाड़ी में इकवाई और सवारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी। अध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पाप लोक के धारी, अध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पाप लोक के धारी। झांसा राम प्लस राम रहीम
फिर कृपा आएगी, कर दो ताली की बौछार रे बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है। आदरणीय खड़े उनसे कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। ये विनोद पाल आज बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। मैं चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ आप सबकी ओर से, कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए इनको, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर। और देखिए लड़कियों की इसमें कोई गलती नहीं होती, चांदनी जी आई, अब मैं किसकी कहूँ, यही कहने लग गए जिया जी के लिए कुछ नहीं लिखा, तो मैं चांदनी जी ने तो कुछ नहीं कहा, मैं इनको एक उत्तर देती हूँ चांदनी जी आपकी तरफ से, सुने आज ही दे देती हूँ, सुने, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, सब सब नारियों की तरफ से, पुरुष ऐसे बेचारों की तरह ना बैठे, एंजॉय करें, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते, खुदा ने जो दिया है रूप ये उसका ही जादू है, खुदा ने जो दिया है रूप ये उसका ही जादू है, कि लड़के खुद भटकते हैं इशारा हम नहीं करते। आ जाइए एक और जोड़ा आ गया है, इनके लिए भी जगह करें। ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब मैं काव्य पाठ कर रही हूँ तो लोग आ रहे हैं। ये पहला ऐसा जोड़ा है जो जहाँ भी मिलता है वो एक ही रंग में मिलता है। अरे वाह, और यदि ऐसी बात है तो मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं हूँ रति पर काम ना चाहूँ, एक छवि निष्काम सी मांगू, मैं हूँ रति पर काम न चाहूँ, एक छवि निष्काम सी मांगू, रास के क्षणाराधन मैं हो प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू, रास के क्षणाराधन मैं हो प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू, और भला क्या वर चाहूँ बस कोर कृपा अभी राम की मांगू, और भला क्या वर चाहूँ बस कोर कृपा अभी राम की मांगू, अपने मन मंदिर में सजा लू ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू, अपने मन मंदिर में सजा लू ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। आप लोग इतने समृद्ध हैं, इतने समृद्ध हैं, हम बहुत समृद्ध हैं, तो आइए मैं उस ईश्वर को धन्यवाद कर दूं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, और मैं अब यहाँ से अपने काव्य पाठ को दूसरे रंग में लेकर के जाती हूँ, मेरी शायरी से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छे चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, मंच का भी मन चाहती हूँ, गंभीरता चाहती हूँ, सुनाइए। आज मंजर खराब हो जाता, आज मंजर खराब हो जाता, घर पुराना हिसाब हो जाता, ठीक है बात बढ़ नहीं पाई। चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो मेरा साथ दे दे, कि ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, वरना तू बेनकाब हो जाता, वरना तू बेनकाब हो जाता। उस ईश्वर का धन्यवाद दें, हम सब मिलकर के दें जिसने हमें कुछ दिया। मैं अपनी चार पंक्तियां रखती हूँ और इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ, सुनिएगा। भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, खास तौर से आप सब, भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा,
सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो, कहीं मेरे साथ आपने भी प्रभु वंदना कर दी हो तो मेरा मन रखने के लिए आपकी तालियां मुझ तक पहुंच जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं और आपका खास तौर से ध्यान चाहती हूं, सुनिएगा। कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। तब वो भगवान जिन्हें हम रोज देख सकते हैं उन्हें एक बार जहन में रखें, और मेरी ये चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। हमारे माँ बाप एक बार जहन में रखें और मेरी पंक्तियां सुने। नींद देते हैं ख्वाब देते हैं, नींद देते हैं ख्वाब देते हैं, जाने कितने खिताब देते हैं। खिताब, हम कुछ हो या ना हो लेकिन माँ बाप जब ये कह देते हैं मेरा राजा बेटा, मेरा राजकुमार बेटा, मेरा बड़ा बेटा, मेरा मिनिस्टर बेटा, मेरा अधिकारी बेटा, वो इतने इतने खिताब हमें देते हैं। केवल वो हैं जो किसी भी बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देते हैं। मैं चार पंक्तियां उनके चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। कि नींद देते हैं ख्वाब देते हैं, जाने कितने खिताब देते हैं, मुश्किलों से घिरे सवालों का, मुश्किलों से घिरे सवालों का मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। विश्वास कीजिए हमारे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि पूरी रात आपको हंसाकर आपका मन लगा कर रख सकते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप शायरी बहुत मन से सुन रहे हैं, कविता बहुत मन से सुन रहे हैं, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं चार पंक्तियाँ और कह दूँ और आप तक पहुँच जाएं। कहीं मैं अपने मेरठ वालों से कहती हूँ तो आप अपने जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उन्हें कहें आप तक पहुँच जाएं। सुने। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना। जब आपसे कोई बहुत प्रेम करता है तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहना चाहता है जो मैं कहने जा रही हूं। मैं इस बात का अहंकार तो नहीं लेकिन मुझे लगता है मैं अब तक की सर्वश्रेष्ठ चार पंक्तियां कहने जा रही हूं, मंच को भी समर्पित करती हूँ। सुने। कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। वा, वा, वा। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और बात पहुंच जाए तो मुझ तक पहुंच जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत हो।